वॉयज एंड एक्सप्लोर्ड। आई एम सुपर हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल कि जिस दिन का मैं इतने दिनों से बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है और वो है मेरे एकलौते देवर की शादी। और इसीलिए हम जा रहे हैं घर। घर जाना मतलब दोनों फैमिली से मिलना, मेरा मायका विजिट, और उसी के साथ आता है ट्रैवलिंग। और जब आप ट्रैवलिंग की बात करते हो, वो भी विद एन ईयर ओल्ड बेबी, तो दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आता है वो है पैकिंग। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से मेरा लगेज पैकिंग किया, और उसी के साथ कुछ पैकिंग टिप्स एंड ट्रैवल हैक्स जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। सो बेसिकली क्योंकि हम घर जा रहे हैं एंड दैट टू बाय रोड इन आवर ओन कार, तो बहुत ज़्यादा नीड पैकिंग की तो ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसा कि हम करते हैं जब हम कहीं घूमने जाते हैं फ्लाइट में या फिर ट्रेन में, और फ्लाइट में जाने से तो लगेज बहुत ही लिमिटेड हमें लेना होता है, पर अभी क्योंकि हम अपने ही घर जा रहे हैं अपने ही कार में, तो लगेज का क्वांटिटी को लेकर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट स्टिल मैं कुछ इस तरह से पैकिंग करना चाहती थी कि सब कुछ मुझे वेल ऑर्गेनाइज्ड मिले मेरे बैग में और मुझे आसानी से मिल जाए जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। और ये जो पैकिंग मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पैकिंग फॉर थ्री, मतलब मेरा, पंकुल का और कियान का, तीनों का पैकिंग मैं एक ही साथ करूँगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पैकिंग स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी वो है एक लिस्ट बना लेना ताकि आप कोई भी चीज़ मिस आउट ना करो। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे छोटे से छोटी चीज़ क्यों ना हो, आपके आउटफिट, शूज़, ज्वेलरी, मेडिसिन, फ़ोन चार्जर एंड अदर एसेंशियल्स, हर चीज़ की एक लिस्ट बना लो जो आपको ले जाना है और पैक करना है। सारी चीज़ों को लिख लेने से ना क्या होता है कि आप कोई चीज़ें मिस आउट नहीं करोगे पैकिंग के टाइम, एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज ए लास्ट मिनट चेकलिस्ट वंस यू आर डन विथ योर पैकिंग। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पैकिंग से पहले जो आपको करनी है वो है कि जहाँ आप जा रहे हो और जिस टाइम जा रहे हो वहाँ का वेदर कैसा होने वाला है वो चेक कर लो, ताकि आप वेदर के हिसाब से अपने आउटफिट्स को चूज़ कर पाओ। क्योंकि अभी मई मंथ चल रहा है, मीन समर्स का टाइम है, सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वेयर क्लोथ्स पे कंसंट्रेट करूँगी, स्पेशली फॉर कियान। और फिर क्योंकि हम शादी अटेंड करने जा रहे हैं तो शादी वाले आउटफिट्स तो थोड़े हैवी होंगे। कहीं जाने से पहले ही अगर आप अपने आउटफिट्स को सिलेक्ट करके रख लो, इंक्लूडिंग योर शूज़ एंड ज्वेलरी, तो पैकिंग के टाइम बहुत इजी हो जाता है। मीन्स पैकिंग स्टार्ट करने से पहले ही अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि कब क्या पहनना है, एक पूरा आउटफिट डे वाइज, नॉट एन इंडिविजुअल आइटम, लाइक क्योंकि वेडिंग है तो ऑब्वियसली हम इंडियन वेयर ही पहनेंगे, जैसे कि साड़ी, मेखला चादर, सो उसके साथ के मैचिंग ब्लाउज, ज्वेलरी, सब कुछ इन एडवांस मैं डिसाइड करके रखती हूँ। पर पहनने के टाइम अगर मुझे कुछ चेंज करना हो तो वो एक अलग बात है। एटलीस्ट बेसिक जो चीज़ें हैं उन्हें मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। इन्हें डिसाइड करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट इट विल मेक यू पैकिंग ईजियर, कम स्पेस लेगा, प्लस वहाँ जाके रेडी होने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ मेरे आउटफिट्स डिसाइड हो जाने के बाद मैंने कियान के आउटफिट्स भी डिसाइड कर लिए कि कौन से फंक्शन में उसे क्या पहनना है, इंक्लूडिंग शूज़। और उसके बाद आती है पंकुल की बारी, तो उसे भी अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग दिन क्या क्या पहनना है वो भी डिसाइड करके अलग से रख लिया। क्योंकि हमारे आउटफिट्स डिसाइडेड है तो इससे क्या होगा कि फंक्शंस के अलग अलग दिन में अलग अलग फंक्शन के टाइम हम तीनों के आउटफिट्स रेडी रहेंगे, हमें कब क्या पहनना है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा बैग से इनको निकालना। सारे आउटफिट्स डिसाइड होने के बाद बारी आती है कपड़ों को फोल्ड करने की।
बिना फोल्ड किए अगर आप पैकिंग स्टार्ट करोगे देन इट विल टेक ए लॉट ऑफ स्पेस इन योर बैग एंड पैकिंग विल बिकम डिफिकल्ट। सो ज़रूरी है कि आप अपने क्लोथ्स को पहले फोल्ड कर लो और वो भी जितना छोटा हो सके उतना। यहाँ मैं कपड़ों को फोल्ड करके रोल कर रही हूँ स्पेशली थिनर फैब्रिक्स टू अवॉइड रिंकल्स। इन साड़ीज़ एंड मेखला चादर को भी मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ ताकि इन्हें ज़्यादा रिंकल्स ना आ जाए। इनको आप बहुत ज़्यादा फोल्ड करोगे तो पहनते टाइम विदाउट आयरनिंग आप पहन नहीं पाओगे। सो फोल्ड योर क्लोथ्स अकॉर्डिंगली। और इसी टाइम मैं नए कपड़ों को पैकेट से निकाल कर रख रही हूँ, साथ ही साथ नए कपड़ों में जो टैग्स वगैरह है उसको भी काट के हटा रही हूँ। इसी टाइम मैं ये भी चेक कर लूँगी अगर हमारे आउटफिट्स को आयरनिंग की ज़रूरत है जो हमें रिचुअल्स के टाइम पहननी है। अगर आयरनिंग की ज़रूरत है तो इस टाइम हम इन्हें आयरन भी कर लेंगे। यहाँ मैं कियान के नए कपड़ों में जो टैग्स एंड क्लिप्स है उन्हें हटा रही हूँ ताकि वहाँ जाके पहनने के टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नॉर्मली जो शूज़ हम वेयर करते हैं उनके नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें थोड़ा बहुत गंदगी तो रह जाती है क्योंकि उन्हें हम हमेशा पानी से वॉश नहीं करते। सो पैकिंग के टाइम मेक श्योर कि आप शू बैग्स का यूज़ करो और शूज़ के लिए अलग कैरी बैग्स लो ताकि क्लोथ्स के साथ ये मिक्स ना हो, और पहनने के बाद भी उन्हें बैग में डालकर आप उन्हें रिपैक कर पाओ ताकि पहनने के बाद आपके डर्टी शूज़ आपके क्लीन कपड़ों को गंदा ना करे। आपके लगेज में कुछ सामान ऐसा लेना होता है जैसे मोबाइल चार्जर, ईयरफोन्स एट्सेट्रा, उनको अगर आप डायरेक्टली बैग में डाल लेते हो तो निकालने टाइम वो सब टैंगल्ड हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अगर आप इनके लिए भी एक अलग पाउच या कैरी बैग रखो देन इट बिकम्स मच ईजियर, वो टैंगल भी नहीं होंगे और आप ऑलरेडी जानते हो कि कहाँ आपका चार्जर है। और ऐसे ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में रखने से इन्हें ढूंढना भी इजी हो जाता है। बड़े बड़े जो बॉटल्स होते हैं स्पेशली जिसमें लिक्विड होता है लाइक क्रीम, बॉडी लोशन, ऑयल, उनको पैकिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बड़े बॉटल्स हो तो स्पेस ज़्यादा लगेगा बैग में और लीकेज का भी डर रहता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ट्रेवल साइज बॉटल्स खरीद लो या फिर एम्प्टी ट्रेवल साइज बॉटल्स जिसमें आप अपने सारे एसेंशियल्स स्पेशली जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनको भर लो। इवन कियान के भी जो क्रीम पाउडर एसेट्रा के बिग साइज बॉटल्स होते हैं उन्हें भी मैं ट्रेवलिंग के टाइम अवॉइड करती हूँ लेके जाना। इंस्टेड जो ट्रेवल साइज बॉटल्स होते हैं मैं उन्हें ही लेना प्रेफर करती हूँ, उससे पैकिंग का जो स्पेस है वो भी कम लगता है और लीकेज वगैरह का भी टेंशन नहीं होता। और इन्हें आप इवन अपने हैंडबैग में भी कैरी कर सकते हो। मेरे पास वैसे भी बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट्स है और मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने स्पेशली इस वेडिंग के लिए ही खरीदा है और सारा ही मिनी पैक्स में हैं बिकॉज आई एम नॉट ए एवरीडे मेकअप पर्सन, सो आई हैव टू कैरी देम ऑल क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं मेरे पास। पर जो मेकअप करते हैं पहले से उनके पास मेकअप प्रोडक्ट्स भी बहुत सारा होना नेचुरल है लाइक आई शेडो पैलेट्स, लिपस्टिक्स एट्सेट्रा, और सारी चीज़ों को ट्रैवलिंग के टाइम पैक करके लेके जाना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो ट्रैवलिंग से पहले ही आप डिसाइड कर लो कि कितना मेकअप आप एक्चुअली यूज़ करने वाले हो एंड दैट वे मिनिमाइज योर मेकअप प्रोडक्ट्स और एक सिंगल पाउच में उन्हें स्टोर कर लो ताकि आपको जब ज़रूरत हो तो सारे मेकअप की चीज़ें आपके एक ही पाउच में मिल जाए और अलग अलग पॉकेट्स में ढूंढना ना पड़े। सो वन इम्पॉर्टेंट टिप व्हाइल पैकिंग इज़ अगर आप अपने चीज़ों को अलग अलग पाउचेस में डालकर पैक करोगे तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए उन पर्टिकुलर चीज़ों को अपने बैग से निकालना
जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। लाइक जैसे मैंने मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को एक ही सिंगल पाउच में पैक किया, इंक्लूडिंग माई स्किन केयर परफ्यूम, वैसे ही मैं मेरे ज्वेलरीज के लिए भी अलग पाउच बनाऊंगी। लाइक जो जो ज्वेलरीज मैंने अपने आउटफिट्स के साथ डिसाइड किया है पहनने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं अलग अलग ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में डाल के एक ही पाउच में पैक करूँगी। साथ में मैंने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इयररिंग्स चेन्स भी डाल लिया है, और इसी पाउच में मैं डालूंगी कुछ हेयर क्लिप्स, बॉबी पिंस, हेयर एक्सेसरीज, कोम्ब एट्सेट्रा। और क्योंकि ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर के कंपार्टमेंट में बहुत सारा जगह बच गया है, इसी में मैं पंकुल और मेरे कुछ मेडिसिंस भी डाल रही हूँ, जैसे सेरिडॉन, विक्स, रेंटेक, बैंडेड एट्सेट्रा। एक डिफरेंट पाउच में मैंने डाला है सारे कियान के एसेंशियल्स, इंक्लूडिंग हिज मेडिसिंस, डायपर, रैश क्रीम एट्सेट्रा। एक एक्स्ट्रा पैकेट में पैक किया है हमारे सारे टॉयलेट्रीज, लाइक टूथपेस्ट, टूथब्रश, पंकुल स्ट्रीमर और उसके एसेंशियल्स, और दो सेपरेट पाउचेस में पैक किया है हमारे सारे अंडरगार्मेंट्स। जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए मैंने अलग अलग पाउचेस लिए हैं, उसी तरह से मैंने डिसाइड किया कि हमारे कपड़ों के लिए भी हम दो बैग्स कैरी करेंगे। एक में सारे हैवी आउटफिट्स मैं डालने वाली हूँ, जिसमें रहेंगे हमारे सारे वो क्लोथ्स जो हम वेडिंग्स के अलग अलग रिचुअल्स में पहनने वाले हैं, और दूसरे बैग में रहेगा हमारे लाइट वेयर समर क्लोथ्स जो कि डेली वेयर के लिए हमें चाहिए होगा, ताकि जो हमारे हैवी आउटफिट्स है जो हमें वेडिंग रिचुअल्स के टाइम पहनने हैं, वो हमारे डेली वेयर के साथ मिक्स ना हो जाए, और उस बैग को हम सिर्फ तभी खोले जब हमें वेडिंग रिचुअल्स में जाना हो। अदरवाइज जो लाइट वेयर समर क्लोथ्स है उन्हीं को हम नॉर्मली पहनेंगे घर में। और इन डेली वेयर्स के साथ ही मैं रख रही हूँ हमारे टॉवल्स और कियान के कुछ कॉटन सॉफ्ट क्लोथ्स जो उसे चाहिए होता है। आई थिंक पैकिंग स्टार्ट करने से पहले जितना भी सामान आपको ले जाना है उनको अगर आप अपने सामने लेआउट कर लो तो पैकिंग बिकम्स ईजी। इस तरह से आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कितना सामान आपको लेना है और कितने बैग्स की ज़रूरत है आपको इनको पैक करने के लिए, ताकि आप इन्हें अच्छे से पैक कर पाओ इन्हें लॉजिकल वे। करते टाइम मेक श्योर टू यूज़ एवरी इंच ऑफ योर बैग। तो यहाँ मैं क्या करूँगी कि दो बैग्स लूँगी, एक में मेरे कियान के और पंकुल के हैवी आउटफिट्स है जिन्हें हम अलग अलग वेडिंग रिचुअल्स के टाइम पहनने वाले हैं, उनको पैक कर रही हूँ। एक चीज़ आपके लगेज पैकिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने कपड़ों को बैग में डाल रहे हो तो कुछ इस तरह से डालिए कि जब वहाँ जाने के बाद आप अपना बैग ओपन करो तो एक ही बार में सारे कपड़े आपको एक ही टाइम नज़र आ जाए, मतलब आपके आँखों के सामने आपका पूरा वार्डरोब आपको दिखे। इससे क्या होगा कि आपको जिस भी रिचुअल के दिन जो भी आउटफिट चाहिए वो आप आराम से ऊपर से निकाल सको विदाउट डिस्टर्बिंग अदर क्लोथ्स। इस बैग में मैंने सारे वही कपड़े डाले हैं जो हम तीनों वेडिंग के अलग अलग रिचुअल्स के टाइम में, अलग अलग फंक्शंस के टाइम में पहनने वाले हैं, इंक्लूडिंग कियान्स शूज। अब बाकी के जो चीज़ें रह गए हैं, जैसे हमारे डेली वेयर्स, हमारे शूज़, जो अलग अलग पाउचेस मैंने बनाए हैं इंक्लूडिंग कैमरा, ट्राइपॉड, ज्वेलरी पाउचेस, मेडिसिन पाउच, मेरा स्ट्रेटनर, उन सब को मैं एक अलग बैग में कैरी करने वाली हूँ। ये वाला जो बैग है इसको बहुत ही ज़्यादा नीट पैकिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे डेली वेयर के कपड़े ही होने वाले हैं जिनको मैं घर जाने के बाद निकाल के वार्डरोब में सजा लूँगी। एक अलग से ऑर्गेनाइज़र में मैंने मेरे सारे डेली वेयर के कपड़े डाल लिए हैं ताकि वो सबके साथ मिक्स ना हो जाए। साइड में मैंने पंकुल के कपड़े डाले हैं और सबसे ऊपर कियान के कपड़े डाले हैं, ताकि बैग खोलते ही मुझे सबसे पहले कियान के कपड़े मिल जाए, और इसी में मैंने सारे जो मेरे पाउचेस है अलग अलग उसको डाल लिया है। फिर मैंने एक छोटा सा अलग से ट्रैवल बैग रखा है फॉर कियान, जो हमेशा ही मैं कैरी करती हूँ अपने साथ, मैं जहाँ भी जाती हूँ
उसमें मैंने 2-3 कियान के एक्स्ट्रा क्लोथ्स रख लिए हैं, 2-3 डायपर्स रख लिए हैं, कियान के मेडिसिंस रख लिए हैं और एक अलग पाउच में कियान के सारे एसेंशियल्स इंक्लूडिंग क्रीम पाउडर ऑयल एट्सेट्रा। लास्ट मिनट पैकिंग में मैं इसमें कियान के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लूँगी जो उसको रास्ते में चाहिए होगा, साथ ही साथ कियान के कुछ टॉयज़ भी मैं इसमें रख लूँगी। क्योंकि हम घर जा रहे हैं तो वहाँ एवरीडे कपड़े तो वॉश हो ही जाएंगे पहनने के बाद, स्टिल यू नीड टू कैरी सम एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स और लॉन्ड्री बैग्स जिसमें आप अपने अनवॉश्ड कपड़े डालकर वापस ला सको ताकि वो क्लीन क्लोथ्स के साथ मिक्स ना हो जाए और वापस आने के बाद आपको अनपैकिंग के टाइम भी ईजी हो उन्हें सेपरेट करने में। सो गाइज, इसी के साथ मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो जाता है। मैंने एक एक्स्ट्रा बैग भी निकाल के रखा हुआ है जो कि अगर हम कहीं घूमने जाते फ्लाइट में या ट्रेन में तो नहीं लेके जाते शायद, पर क्योंकि घर जा रहे हैं और शादी है तो इसीलिए कुछ लास्ट मिनट पैकिंग तो हमेशा रह ही जाएगी अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान लेना हो तो। और एक टिप मैं जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मीन्स जिस दिन आप जा रहे हो या ट्रेवल कर रहे हो उस दिन आपको जो आउटफिट पहनना है वो अ डे एडवांस आप रेडी करके रख लो, आपके आंखों के सामने हैंग करके रख लो सामने ही, ताकि जिस दिन आपको जाना हो तो उस दिन आपके आउटफिट को लेके भी हसल बसल ना हो, वो भी आउटफिट आपका आंखों के सामने रेडी रहे, आप उठ के पहन के निकल सको। क्योंकि हमें उस दिन बहुत ही अर्ली निकलना है तो एक दिन पहले मैं भी अपने आउटफिट्स को बाहर निकाल के रखूंगी ताकि सुबह सुबह उठ के मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इजीली तैयार हो सकूं, कियान को भी तैयार कर सकूं। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैंने मेरा जो वेकेशन है जो मैं जा रही हूँ घर, उसके लिए मैंने जो सारा पैकिंग किया, जो जो सामान मैंने लिया हुआ है वो सब कुछ मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया है, और साथ ही साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रैवल टिप्स एंड हैक्स मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके नेक्स्ट वेकेशन में या फिर आपके नेक्स्ट ट्रिप में जब आप पैकिंग कर रहे हो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस पैकिंग वीडियो के बाद हम बहुत ही जल्द घर जाने वाले हैं तो ट्रैवल ब्लॉग भी बहुत ही जल्द आ जाएगा चैनल में, और उसी के साथ साथ शादी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल में आने वाले हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।